केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला का 70% भाग देहरा में बनने की घोषणा 12 साल पहले हो गई थी। धर्मशाला में 30% प्रशासनिक कार्य होना था, बाकी 70% एजुकेशनल कार्य देहरा में होना था, लेकिन पिछले 12 सालों से कार्य शुरू तक नहीं हुआ। इससे आम लोगों को और देहरा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। केंद्रीय विद्यालय संघर्ष समिति ने ये मुद्दा पिछले 10 सालों से उठाया और लगातार संघर्ष कर रहा है। इसका कार्य जल्द शुरू होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष विवेक पाठानिया ने कहा, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय प्राइवेट मकान में चला है, जिससे उनको फायदा पहुंच रहा है। पूर्व मनमोहन सरकार के वक्त इसकी शिमला में घोषणा हुई थी, लेकिन ये विश्वविद्यालय राजनीति की भेंट चढ़ गया है। केंद्र व राज्य सरकार से आग्रह है, इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि देहरा जो पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को एक सहायता मिले। केंद्रीय विश्वविद्यालय 12 साल पहले जो घोषित हुआ था हिमाचल प्रदेश के लिए, उसका जो मूर्त रूप है, मैं क्योंकि संघर्ष समिति का अभी हाल ही में मेरे को हमारी समिति ने अध्यक्ष बनाया है लोगों ने, तो हमने ये जो आवाज़ है ये केंद्र से लेके प्रदेश सरकार तक हमने उठाई, लगातार हम इस पर संघर्षरत रहे। अब इसका अभी हाल ही में ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये इसका फेंसिंग है, ये आपको पिलर भी दिखाई दे रहा होगा, ये जितनी भी लैंड है पीछे ये सारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की है, और इसको जो है अभी हाल ही में जो हमारा शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग, उसको इसकी डिमार्केशन करने के बाद उसको सौंप दिया गया है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम। अब एक सप्ताह पहले अभी CPWD जिस एजेंसी को इसका निर्माण कार्य दिया गया है, उनकी टीम अभी यहीं पर ही अभी डेरा डाले हुए है और वो कंटूरिंग वगैरह इसकी कर रहे हैं। तो अब कंटूरिंग के बाद इसका जो है अगला कार्य जो है वो शुरू होगा, लेकिन देहरा के जो लोग हैं, इसके बहुत लोग परेशान थे कि 12 साल से पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज घोषित हुई सब शुरू हो गई, और इसके खुलने से अब ये अगर सरकार जो है, और इसके लिए अभी अनुराग ठाकुर जी से भी हमने बात की और उन्होंने इसको मूर्त रूप देने में बड़ी सहायता की है, प्रदेश सरकार का भी चलो धन्यवाद हम करेंगे। अब इसका जो अगर ये यूनिवर्सिटी बनती है, क्योंकि देहरा सबसे पिछड़ा हुआ भौगोलिक परिस्थिति अगर देखा जाए, सबसे पिछड़ा हुआ प्रशासनिक दृष्टि से देहरा एक क्षेत्र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछड़ापन अगर कहीं है तो देहरा में। अगर ये यूनिवर्सिटी बन जाती है तो इससे एक तो क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, देश विदेश से बच्चे अभी भी यहाँ पर किराए के भवन में यूनिवर्सिटी का जो चल रहा है शिक्षण, तो उसमें बहुत से बच्चे हमारे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आए हुए हैं, तो 400 के करीब बच्चे अभी हैं, वो अब देहरा के जो लोग हैं, देहरा का जो व्यापारी वर्ग है, उसको इसका बहुत लाभ मिल रहा है। अगर ये यूनिवर्सिटी मूर्त रूप लेती है तो फैकल्टी आएगी, अलग अलग स्टेट से के विदेश से बच्चे भी यहाँ आएंगे, एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा ये है कि देहरा भी कहीं ना कहीं विकास के इसमें प्रवेश करेगा, क्योंकि अभी बड़ा पिछड़ापन है देहरा में, और इसको संघर्ष में मैं कहता हूँ, कई हमारे जो मेरे पूर्व में संघर्ष समिति में 12 साल से संघर्ष चल रहा है, मैं तो अभी अध्यक्ष बना हूँ इसका, तो उन लोगों ने कई तो बेचारे इस दुनिया से चले गए, तो अब मैं हमारी यही मांग है अनुराग ठाकुर जी से भी, प्रदेश सरकार से भी, कि अब इस कार्य में कहीं विघ्न ना आए और इस कार्य को जो है वो निरंतर इसको गति दी जाए। थी विगत जब सरकार थी उन्होंने घोषित किया था 70% जो है इसका यूनिवर्सिटी का जो भाग था वो ये घोषित किया था देहरा के लिए और 30% जो है वो धर्मशाला के लिए। तो उन्होंने उस टाइम ये किया था तय कि वहाँ पर प्रशासनिक अमला वहाँ बैठेगा और बाकी शिक्षण कार्य जो वो यहाँ से चलेगा। हाँ जी, तो ये ज्वाला जी होशियारपुर रोड, ये होशियारपुर धर्मशाला जो मुख्य सड़क है NH, उसके ऊपर ये स्थित है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है, यूनिवर्सिटी फैकल्टी भी। कितने हेक्टेयर में फैली हुई है? 81 हेक्टेयर। हाँ जी, अभी इसकी डिमार्केशन अभी पूर्ण हुई है 10 दिन पहले, और अब जो है CPWD की टीम जो है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए है, वो कंटूरिंग वगैरह इसका कर रहे हैं। इसमें ऐसा है जी कि जो पेड़ है वो इसमें जो पेड़ हैं वो कैश क्रॉप जिसको हम खैर बोलते हैं,
वो इसमें है और वो कैश क्रॉप मानी जाती है, उसके लिए हम नहीं समझते कोई, और ज़्यादातर इसमें झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियाँ काटने में मेरे हिसाब से सरकार को कोई इसमें तो जो घोषित किया है, और हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन है उनसे भी मिले थे, इसका बजट जो है वो घोषित है 530 करोड़। अच्छा, जब बजट अवेलेबल है तो इसके कार्य में अब विलम्ब जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा भी रहा है 12 सालों से देहरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो अब इस मुद्दे को यहीं विराम लग जाए तो कम से कम देहरा भी विकास की धारा में जुड़ सकता है।